सेलिब्रिटीज की फिट पर्सनालिटी को देखकर एक बार तो आपके मन में भी उनकी ही तरह फिट बॉडी चार्मिंग पर्सनालिटी का ख्याल आता होगा। तो चलिए आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा शख्सियतों के डाइट चार्ट से रूबरू कराते हैं, जिसे अपनाकर इतनी उम्र के बाद भी ये सितारे यंगस्टर्स को टक्कर देते हैं। नमस्ते, मैं पूनम हूँ और आप हैं मंच पर। मेंस एक्सपी वेबसाइट के मुताबिक बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार के नाम से जाने जाने वाले अक्षय कुमार शाम 6:30 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते, अगर वो शूटिंग पर ना हो। नाश्ते में अक्षय कुमार मूंग दाल का चीला चटनी के साथ बना हुआ पैन केक खाते हैं, साथ ही नॉन डेयरी मिल्क भी लेते हैं। वहीं सुबह 11 बजे वो दूसरा नाश्ता करते हैं, जिसमें वो सब्जी, स्मूदी, ताजे फल और किशमिश लेते हैं। वहीं लंच जो कि 2 से 2:30 बजे के बीच करते हैं, इसमें उनकी पहली पसंद टोफू और पालक थाई करी बताई जाती है। इसी के साथ दाल और मशरूम की पेटीज भी लेते हैं। डिनर जो कि 6 से 6:30 के बीच करते हैं, इसमें वो ग्रिल, तली हुई सब्जियां और उबली हुई गोभी लेते हैं। अक्षय कुमार अपने खाने में प्रोटीन को काफी तवज्जो देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 55 साल के अक्षय कुमार कभी भी जंक फूड नहीं खाते, बस उनका कोई चीट डे फिक्स नहीं है। वो जब चाहे अपने मन मुताबिक फूड खा सकते हैं, बस वो घर पर बना होना चाहिए। बाकी सुबह जल्दी उठने और एक्सरसाइज करने को लेकर वो कहते हैं कि ये उनके लिए खाने और ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना वो रह नहीं सकते। तो वहीं जॉन अब्राहम की फिट बॉडी और उनका चार्मिंग लुक देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 50 साल के हैं। इसकी एक वजह उनका डाइट प्लान भी है। हेल्थ कार्ड के मुताबिक वो अपना पहला मील सुबह 8 बजे लेते हैं, जिसमें 4 एग व्हाइट, 1 स्वीट पोटैटो के साथ ग्रीन टी या फिर ब्लैक कॉफी लेते हैं। दूसरा मील वो सुबह 10:30 बजे लेते हैं, जिसमें पेय प्रोटीन होता है। वहीं तीसरा मील दोपहर 1 बजे लेते हैं, जिसमें एक चिकन और फिश ग्रिल रोटी के साथ स्प्राउट दाल सब्जी होती है। शाम को 4 बजे लेते हैं, जिसमें ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी, 4 एग व्हाइट, मैश पोटैटो और फ्रूट होते हैं। और रात को 10 बजे बॉइल्ड चिकन या फिश, 2 से 3 स्लाइसेस ब्राउन ब्रेड लेते हैं। जॉन अब्राहम भी अपने खाने में प्रोटीन पर काफी ध्यान देते हैं। तो वहीं जॉन अब्राहम चीट डे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कपिल शर्मा शो में उन्होंने बताया कि उन्होंने 27 साल से अपनी पसंदीदा मिठाई नहीं खाई है। बॉलीवुड की चिकनी चमेली कही जाने वाली कैटरीना कैफ अपनी फिटनेस और पर्सनैलिटी के लिए काफी वक्त जिम में बिताती हैं। अपने फिगर को मेंटेन और फिटनेस के लिए वो जमकर पसीना बहाने के साथ ही डाइट को भी फॉलो करती हैं। हर जिंदगी के मुताबिक कैटरीना कैफ सुबह उठने के तुरंत बाद कम से कम 4 ग्लास पानी पीती हैं। बिना मिस किए रोज रनिंग करती हैं। साथ ही अगर मीठा खाने के लिए उन्हें ज्यादा क्रेविंग हो तो वो घर पर ही बने डेट्स बॉल को खाना पसंद करती हैं। कैटरीना कैफ नाश्ते में दलिया या अनाज के बीच एक को चुनती हैं। दोपहर के खाने में उबले हुए चावल के साथ सब्जी, फ्रूट और ग्रीन सैलेड लेते हैं। कभी कभी ऑप्शन में थोड़े से मक्खन के साथ ग्रिल फिश या ब्राउन ब्रेड ले लेती हैं। वहीं शाम के नाश्ते में पीनट बटर के साथ ब्राउन ब्रेड या सैंडविच लेती हैं। वहीं डिनर में बिना तेल की पकी हुई सब्जियां खाना पसंद करती हैं और साथ ही सलाद, दाल, चपाती और सब्जियों के सूप भी लेती हैं। ऋतिक रोशन की चार्मिंग पर्सनालिटी में भी उनकी डाइट काफी बड़ा रोल निभाती है। ऋतिक रोशन भी खूब सारा पानी पीते हैं और नाश्ते में वो 8 अंडे, 2 मल्टीग्रेन टोस्ट और 1 अवोकाडो लेते हैं। लंच में रोटी, हरी सब्जी, चिकन, ब्राउन राइस, सलाद और फल खाते हैं। इसके साथ स्नैक टाइम में वो प्रोटीन शेक और ड्राई फ्रूट्स लेते हैं। डिनर में वो एग वाइट, फिश, मटन और सलाद खाते हैं। बॉलीवुड में शिल्पा शेट्टी अपने फिगर मेंटेन को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने भी इसको लेकर कई वीडियो और बुक्स भी प्रकाशित की हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नाश्ते में वो अंडे के साथ फल खाती हैं, दोपहर में उबली हुई सब्जियां, चिकन और ब्राउन राइस खाती हैं। इसी के साथ छाछ या दही भी लेती हैं। रात का खाना वो हल्का लेती हैं, जिसमें चिकन सूप, ग्रिल सब्जियां या दाल खाती हैं। वैसे अपनी पर्सनैलिटी के लिए सिर्फ डाइट ही नहीं बल्कि जिम में भी घंटों एक्सरसाइज और योगा मेडिटेशन भी करते हैं। हर दिन अलग अलग डाइट, अलग अलग एक्सरसाइज से अपने फिटनेस और खूबसूरती को बरकरार रखते हैं। ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।